अगर हम कच्चा दूध को पीते हैं वो हमको नुकसान करता है।
इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जैसे दाल हम धोते हैं उन दालों का जो पानी निकलता है उसको हम लोग पेड़ पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन पेड़ पौधों में प्रोटीन मिलता है तो पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। डू नॉट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग दैम। कोई भी फल हो या सब्जी हो बिना धुले उसको नहीं खाना चाहिए और धो करके उसको काट के खाना चाहिए। मान लीजिए हम एप्पल लिए तो सेब को हम बिना काटे अगर हम उसको खा रहे हैं तो क्या पता उसमें कीड़ा हो, तो इस वजह से हमको सेब को अच्छे से धो करके पोंछ करके काट करके खाना चाहिए। और फल हमेशा ये याद रखिएगा जितने भी फ्रूट्स हैं अगर आपने उसको काट लिया तो उसको फिनिश कर दीजिए, ऐसा नहीं कि काट के रख दीजिए, रख दिया दो घंटे बाद तीन घंटे बाद खा, तो इससे क्या होते हैं वो फल खराब होते हैं। जब आपको खाना हो तभी वो फल को आप काटिए। डू नॉट वॉश व्हाइल बॉइलिंग, टेक जस्ट नीडेड वाटर सो दैट द वाटर व्हिच हैज एब्जॉर्ब्ड द न्यूट्रिएंट्स इज नॉट थ्रोन अवे। अब जो पानी हम खिलाते हैं, जैसे आप मान लीजिए बहुत से लोग चावल पकाते हैं तो चावल का पानी खुला करके तब चावल आते हैं, तो उसके बाद पानी को गिराते हैं जो मार होता है उसको हमको नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे तत्व होते हैं जो हमको फायदा पहुँचाते हैं, उसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं मौजूद होते हैं, इस वजह से हमको वो जो खोलता हुआ पानी है, जैसे आप समझ लीजिए आपने गोभी काटा, गोभी काट करके उसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद जो पानी बचा उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है उसको आप पौधों में डाल दीजिए तो पौधों को उतना प्रोटीन मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। ओवर कुकिंग इज बैड, डू नॉट टू मच रोस्ट और फ्राई द फूड आइटम, दिस डिस्ट्रॉयज न्यूट्रिएंट्स। ओवर कुकिंग इज बैड यानी कि कोई भी भोजन अगर आप पका रहे हैं तो उसका एक समय निश्चित होता है, अब ऐसा नहीं कि आपने एक बार खाना पका लिया उसके बाद फिर जब आपको खाना हो फिर उसको फला रहे हैं फिर दोबारा चौबा, जब आप जिस बार अगर फलाएंगे तो वो पहली बार तो उस खाने का टेस्ट बदल जाएगा और उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं पोषक तत्व हैं वो मर जाएंगे। डू नॉट टू मच रोस्ट, किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा रोस्ट नहीं, भूनना नहीं चाहिए, फ्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर उसमें जली जली स्मेल आती है और उसमें बिन मत जली स्मेल तो आती आती है, उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो मर जाते हैं। जैसे बहुत से लोग करेला वगैरह बनाते हैं उसको बहुत ज़्यादा लाल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लाल करने से क्या होगा उसका तो आधा से ज़्यादा तत्व मर गया, तो हमको बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं पकाना चाहिए, जो लिमिटेशन है उतना ही पकाना चाहिए। प्रिजर्विंग फूड इफ फूड इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट लूज जम स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इन इट वी बिकम सिक इफ वी ईट सच फूड। कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना बना लिया सुबह बना लिया उसको रात भर खाते हैं, तो हमको वो काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम भोजन को रखते हैं तो उसमें काफ़ी बैक्टीरिया आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन अ वे दैट प्रेजेंट्स इट्स वैल्यू ऑफ